लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी हमें ऊपर जाना है। तो अगर आपको कभी चाय का बगान लूटना हो। हे गाइस, वेलकम टू द ग्रेट इंडियन रोड ट्रिप। हमारी इस 9 महीने लंबी रोड ट्रिप में हम 101 व्लॉग्स बनाने वाले हैं और आज है एपिसोड नंबर 44 जिसमें हम घूमेंगे गुवाहाटी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ग्रेट इंडियन रोड ट्रिप जिसमें हम एक सिंगल 9 महीने लंबी रोड ट्रिप में पूरे भारत को कवर करना चाहते हैं अपनी कार में। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम शिलोंग से ड्राइव करके आ पहुंचे थे गुवाहाटी, जहां पे हमारे पास सिर्फ एक दिन है और होटल में लंच करने के बाद हम तुरंत निकल पड़ते हैं गुवाहाटी घूमने। गुड इवनिंग फ्रॉम गुवाहाटी। बाय द वे, हमारा प्लान था कि हम यहाँ पे आएंगे और सनसेट क्रूज देखेंगे, लेकिन यार ये रेस्टोरेंट वालों ने इतना लेट कर दिया, खाना ही लेके आने में 1.5 घंटे लगा लिए उन्होंने, तो हमारा सनसेट तो मुझे लग रहा है रिक्शे में ही होने वाला है। लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस। कोशिश कर रहे हैं, हमारे भैया खूब भगा रहे हैं, पहुंच जाए तो देखते हैं। क्या तुम्हें सनसेट दिखाई दे रहा है? सनसेट वाला तो निकल गया। सनसेट क्रूज का टाइम था 4:30 बजे और हम लोगों ने गलती से देख लिया 5:30 बजे, तो समय पर पहुंच कर भी हम लेट थे। आपको आना हो तो ध्यान रखना, ये चाय की दुकान है, उसके पीछे यहाँ पर है अल्फ्रेस्को ब्रांड और ये टाइमिंग वगैरह चेंज होती रहती है। देख लेना भैया, कितने मच्छर हैं यार यहाँ, जितने क्रूज पे नहीं है लोग, उस मेरी आँख में घुस गया यार, हद ही मचा दी है। तो गुस्सा है क्या अभी भी? हाँ, पता नहीं किसका खून पी के आया, मेरी आंख में घुस गया। निकला क्या? नहीं, ये हमारी टेबल है। Yes. क्रूज पर पुराने गाने लाइव सुनकर बहुत ही मजा आ गया, हमने भी थोड़ा डांस किया और फिर हम निकल पड़े। हम आ गए हैं नेहरू पार्क गुवाहाटी में, बहुत ही सुंदर पार्क बना हुआ है, बहुत अच्छी लाइटिंग है, बढ़िया घास उगी हुई है, ताजी ताजी, पानी के ऊपर देखो पत्थर तैर रहे हैं कुछ, तो हरी हरी घास की खुशबू आ रही है, ऐसे मन कर रहा है कि बस। पता है मुझे सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ में लगता है? स्टाइलिंग डिसीजंस, लाइक मेरे शर्ट का फ्लैप बाहर होना चाहिए कि अंदर, एंड टुडे आई वाज कंफ्यूज्ड, सो इट्स अ हाफ एंड हाफ। हम आ गए हैं ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज वॉक इन गुवाहाटी और यहाँ पे कोई कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है। ये एक हेरिटेज सेंटर है जहाँ पर पार्क्स हैं, म्यूजियम है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज, ओल्ड म्यूजिक इज प्लेइंग। दिस इज राइट बिसाइड द ब्रह्मपुत्र रिवर व्हिच इज़ द वाइडेस्ट रिवर इन इंडिया, एंड यहाँ से आप रिवर का व्यू देख सकते हो, उसमें बोटिंग हो रही है, फेरीज जा रही हैं, इट्स सच अ ब्लिस टू बी हियर। सब्सक्राइब कर लो नहीं तो। रिवर हेरिटेज सेंटर में एक बंगलो है 2 स्टोरी, उसको बहुत ही सुंदर वेल मेंटेन म्यूजियम बनाया हुआ है
नीचे वाले फ्लोर पे आपको यहाँ के लोकल हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, किस तरीके से लोग रहा करते थे, उनकी स्टोरीज बहुत सारी दीवार पे लगी हुई हैं, यहाँ पे वीविंग किस तरीके से होती थी वो पूरा दिखाया हुआ है, बहुत सारी बुक्स भी रखी हुई हैं, आप चाहो तो उनको वहाँ पे ख़रीद भी सकते हो। और जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर पूरे रीजन की जितनी भी म्यूज़िकल हेरिटेज है वो वहाँ पर रखी हुई है, कितने तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स आप उनको देखोगे, आप सोचते रह जाओगे यार ये वाला कैसे बजता होगा, इसकी आवाज़ कैसी आती होगी, लेकिन जो भी है यहाँ पर आकर के ऐसे काम वाली फील आती है कि आराम से बैठो, एसी चल रहे हैं, बाहर की गर्मी से आते हैं तो यार वैसे ही रिलैक्स करने का मन करता है। आप यूटी में पढ़ाते थे ना? अभी पढ़ाता हूँ। एक्चुअली मतलब मैं अभी 12 में आ गया हूँ, तो आई मेट प्रज्ञांशु जो हमारे फिजिक्स स्टूडेंट थे कि हैं, अभी पढ़ते कि नहीं पढ़ते? कभी 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 मैं पढ़ता था, फिर भी मतलब बायजूस छोड़ के वो खत्म करके मैंने इनका पूरा कंप्लीट किया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एकदम थैंक यू। जब भी सब्सक्राइबर्स मिलते हैं ना तो मैं सोचता हूँ अरे इन्हें हमारे व्लॉग्स देखे होंगे, लेकिन एक्चुअली वो निकलते हैं मेरे फिजिक्स के स्टूडेंट जिन्हें फिजिक्स के वीडियोस देखे हुए होते हैं। हम लोग कामाख्या मंदिर के पार्किंग लॉट में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पार्किंग नहीं हो पा रही है बिकॉज ये लोग बोल रहे हैं चाबी दे के जाओ, और हम लोग चाबी छोड़ के नहीं जा सकते बिकॉज हमारी गाड़ी तो फुल है। माँ कामाख्या ने हमारी सुन ली, वी गॉट अ पार्किंग, यहाँ पे हमें चाबी नहीं छोड़नी पड़ेगी बिकॉज हम लोगों ने लगा दी है न्यूट्रल में, और अब ये गाड़ी ऐसे मुंह बोल सकती है थोड़े से स्ट्रांग इंसान से। कामाख्या मंदिर में दर्शन के लिए ना लाइन लगी हुई है बहुत लंबी, और एक बजे मंदिर बंद हो जाता है। एक बजने में 4 मिनट बचे हुए हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी हमें ऊपर जाना है, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर तक पहुँचना है, फिर मंदिर के अंदर जाना है, अंदर जाके बस हम नहीं देख पाएंगे, आज तो दर्शन हो नहीं पाएंगे, और आज दर्शन किए तो अगली जगह हम पहुँच नहीं पाएंगे। वैसे 2 साल पहले हमने माँ कामाख्या के दर्शन किए थे, इस बार बस लग ही नहीं रहा कि पॉसिबल होगा। बैठे खा रहे पी रहे, व्हाट इज दिस, और आप लोगों को पका रहे, व्हाट इज दिस, इट्स कॉल्ड अ ड्रीम हट, इट्स कॉल्ड से पहले ही पहुंच गए हम हमारा आज का होटल। यस, क्वालिटी चेक पास्ट, कोई स्मेल नहीं है, साफ लग रहा है, गुड टू गो। आज डिनर में है चिकन रोल, साथ में है सादा दाल और तंदूरी रोटी। गुड मॉर्निंग, आज डे 116 है। ये हमारी टेबल, ब्रेकफास्ट की शुरुआत हेल्दी होनी चाहिए। प्लेट नंबर 2, हेल्थ के बाद टेस्ट कटाएंगे। बाल ही नहीं सूख रहे। ये पल्लवी की नई टी शर्ट को पोंछने का कपड़ा बनाया है। फाइनली हम लोग निकल गए हैं बंगई गांव से, और हमारा नॉर्थ ईस्ट का सर्किट कंप्लीट हो चुका है। हमने उन्होंने नॉर्थ ईस्ट एंटर किया था तो भी हम बंगई गांव रुके थे, अब नॉर्थ ईस्ट से बाहर निकल रहे हैं तो भी बंगई गांव रुकते हुए ही अब निकल गए हैं। हम लोग एक टी एस्टेट पर रुक गए हैं, यहाँ पे मेरे पीछे बहुत सारे चाय के बागान हैं, और यहाँ पर इनका एक चाय का लाउंज बनाया हुआ है इन्होंने, जहाँ पर आप बैठ के टी टेस्टिंग कर सकते हो, चाय खरीद सकते हो और पी भी सकते हो। दिस इज ऑल द हॉट चायस, दिस इज ऑल द कोल्ड चायस एंड द वेलनेस टीज, व्हाट डू यू वांट? मेरी केसर चाय आ गई है जिसमें थोड़ी सी केसर पड़ी हुई है और मलाई में वो सारी की सारी पिचक गई।
पहले तो चम्मच में चिपक गई सारी। इन्हीं बागानों से निकली हुई ये जैस्मिन टी, नहीं जैस्मिन तो यहाँ पे है ही नहीं। चाय के बागानों में कुछ तो सिस्टम होता ही है। हाँ, ये खाई बनाने का ना। खैर छोड़ो, हम किसी के घर रुके थे जिनके चाय की फैक्ट्री, उन्होंने हमें बताया था कि ये जो पूरे चाय के पौधे होते हैं ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये 1 2 3, ये जो 3 वाला कॉम्बिनेशन होता है ना, यही होती है असली चाय। तो अगर आपको कभी चाय का बागान लूटना हो, सिर्फ ये तोड़ के लेके जाना है आपको। आप मैंने एक चीज़ नोटिस करो कि चाय को कभी भी खुली धूप में नहीं उगाते, उसके ऊपर हमेशा पेड़ रहते ही हैं। लेकिन ये तो गंजे हैं, ये बड़ी धूप रोक ले रहे हैं। ये तो धूप ही नहीं रोक पा रहे। अभिषेक ने कमेंट करके पूछा है कि इतनी लंबी 9 महीने की रोड ट्रिप है, इसमें खाने को कैसे मैनेज कर रहे हो? क्योंकि सही बात है यार, 9 महीने तक रोज़ हम दिन में 2 बार बाहर का खाएंगे, तला भुना, तो हेल्थ बहुत ख़राब हो जाएगी और बहुत महंगा पड़ता है। खुद हम रोज़ रोज़ बना नहीं सकते क्योंकि एडिटिंग में भी टाइम जाता है, तो इसलिए हमने कुछ मील रिप्लेसमेंट ले रखे हैं। तो दिन में 1 बार हम रेस्टोरेंट में खाते हैं और 1 बार हम इस तरीके से मील रिप्लेसमेंट ले लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे लगता है वो ये है कि भाई टाइम बच जाता है, नहीं तो खाने का वेट करो। और उससे ही पहले यार, खाना क्या है, हर बार रेस्टोरेंट में जाओ, मेन्यू देखो, डिसाइड करो कि क्या खाना है, उसमें भी बहुत दिमाग खराब होता है। आपका भी कोई रोड ट्रिप रिलेटेड क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछना, कमेंट कर दो, उसका आंसर करेंगे। दोस्तों, इस रोड ट्रिप में हमारा अगला डेस्टिनेशन है शांति निकेतन, और किशनगंज सिर्फ रात में रुकने के लिए हमने डिसाइड किया था। अब किशनगंज देखो, रात होने से पहले ही हम पहुंच गए, तो हमने सोचा किशनगंज से थोड़ा और आगे चलते हैं, जब अंधेरा हो जाएगा तब कहीं पर नाइट स्टे कर लेंगे। हमने किशनगंज क्रॉस कर लिया है और अब हम आए हैं खाना खाने। यहाँ पर एक मंदिर भी है और हम जा रहे हैं वहाँ पर खाने। तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर है यार, ये तो कुछ अलग ही है यार। तो अपना डिनर आ गया है, दाल, सेव टमाटर की सब्जी और तंदूरी रोटी और सलाद। दोस्तों, आंखें लाल होने लग गई है, तो अब लग नहीं रहा कि 7 घंटे और ड्राइव करके हम लोग जा सकते हैं। खाओ तो नींद आ जाएगी, नहीं खाओ तो भूख के मारे मर जाओगे। What to do? रात का बस यही फायदा है, ट्रैफिक नहीं होता। आज तो खड़खड़ वाले एसी में सोएंगे। मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन फिलहाल के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रायगंज, हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। ये हैं छोले भटूरे, आलू के पराठे, पपीता और ये हैं छोले। अभी हम जो नदी क्रॉस कर रहे हैं ये गंगा नदी है, और यहाँ के बाद ये चली जाती है बांग्लादेश में, और यहाँ पर डैम भी है, डैम के ऊपर से रोड का भी ब्रिज है और ट्रेन का भी ब्रिज यहाँ पर ही है। सारी चीजें, तीनों चीजें एक साथ हो रखी है यहाँ पर। गाइस, आज तो हम प्रॉपर पंजाबी ढाबे में, एक जो सड़क के किनारे हाईवे के किनारे ढाबा होता है, उसमें लंच करने वाले हैं। अपन इधर बैठे हैं अंदर एसी में, अभी दाल खाई, स्मोकी तड़का, इसमें बहुत मज़ा आ गया। और राइस आ गए, हमने सिर्फ राइस ऑर्डर किया था और उसके साथ में ये सारी चीज़ें आ गई। रोटी मंगाई? नहीं। हेलो, हाँ। बहुत ही गजब जगह है यार। पल्लवी ने सिर्फ चावल मंगाए थे, चावल के साथ में इतनी सारी सब्जियां आती हैं। खाना आया, I was like, मैंने नहीं मंगाया, ये मेरा नहीं है। दीनो ही ने के हो जानी।
हाईवे से भी उतार दिया है, पता नहीं कौन से गांव की गलियों में से इस तरीके से लेके जा रहा है। तुमी तारे राखी बेजानी को। बहुत महीनों पहले मैंने और विक्रांत ने एक बार ऐसे बात की थी हमारे घर की छत पे खड़े होके राजस्थान में, कि देखना कुछ दिनों के बाद में हम लोग हर रोज एक नया सनसेट देख रहे होंगे, क्या पता कहाँ होंगे। और आज ये सच हो गया है, देखो आज हमें सनसेट देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में। हम लोग फाइनली शांति निकेतन पहुँच गए हैं और बहुत ही सुंदर सी जगह यार, ये ऐसा लग रहा है हिस्ट्री में कहीं पे आ गए। और चारों तरफ एयरबीएनबीज हैं, हमारा वाला किधर है वो नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ दिख गया दिख गया दिख गया। ये होम स्टे इतना खुशबूदार है ना, घुसते ही गार्डन है, गार्डन में इतने सारे फूल हैं, इतने सारे गुलाब हैं, इतने सारे गेंदे हैं, इट जस्ट फिल्स अप योर लंग्स। हमें कहाँ से जाना है? यहाँ से। ये है हमारा होम स्टे, ये है हमारा रूम और ये है हमारा रूम। वी हैव सेपरेट बेड्स, ये तुम्हारा बिस्तर, ये मेरा बिस्तर। एकदम परफेक्ट सनसेट के टाइम पे हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हमारे होटल। किलोमीटर की बात करें तो अभी तक देखो 16,943 ऑलमोस्ट 17,000 किलोमीटर्स हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एंटायर रोड ट्रिप, डिस्टेंस वाइज भी टाइम वाइज भी। साथ में आपके लिए हमारी तरफ से गिफ्ट है, लेकिन ये आपको खुद खरीदनी पड़ेगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्रिज मैगनेट का। और मेरे फिजिक्स के कलरफुल नोट्स की पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और अब कल हम घूमेंगे शांति निकेतन, तब हम मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बाय। बहुत ही बढ़िया खाना है, एकदम बैलेंस्ड। पता है ऐसी इंटेलेक्चुअल जगहों पे आके मैं अपनी लाइफ चॉइसेस को क्वेश्चन करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि या तो मुझे ये दुनिया समझ में नहीं आई है अभी तक। थोड़ा आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, इसमें लिखा है बेदिंग क्रो, क्या ये आपको नहाता हुआ कौवा दिखाई दे रहा है?